ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर सामने है, आपको मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है। हाँ, अगर आप लोग इंडिया या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हो तो भाई आप लोग खुश मत हो, क्योंकि भाई ये यूरोपियन कंट्री के अंदर होने वाला है। बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन शो को भाई यूट्यूब के ऊपर भी पूरा मतलब शो डालने वाले, वही 2 घंटा या फिर वही 3 घंटा का पूरा शो, पर वो चीज आपको इंडिया साइड देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई शायद से इंडिया बहुत एक गरीब कंट्री है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको शायद से बुरा लगे पर भाई इंडिया के अंदर भाई आरपीएम बहुत कम मिलता है, रेवेन्यू बहुत कम होता है डब्ल्यू वालों का या फिर किसी का भी। तो यही शो को यूरोप के अंदर दिखाएंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे हमें डब्ल्यू के क्लिप भी देखने को नहीं मिलते। तो डब्ल्यू वाले भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन को अपलोड तो जरूर से करने वाले, पर भाई आप लोग देख भी सकते हो इंडिया से, पर थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। मे बी आप लोग सारे लोग वीपीएन का यूज करके आप लोग मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाँ, ये चीज डब्ल्यू वाले बहुत जल्द करने वाले, पर मेरे ख्याल से भाई जैसे ही शो स्टार्ट होगा आपको ऐसे वीडियो देखने को नहीं मिलने वाले। जैसे मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन खत्म हुआ उसके बाद मतलब आपको 3 से 4 घंटा बाद आपको शो देखने को मिलेगा YouTube को, क्योंकि भाई तुरंत ही अगर डब्ल्यू वाले लाइव कर देगी तो भाई टेलीविजन के ऊपर कोई शो देखेगा नहीं, डायरेक्ट जाकर YouTube के ऊपर देख सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज था भाई, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AW कंपनी के बारे में। तो भाई AW वाले ने भाई फाइनली इस चीज को लॉन्च कर दिया जिस चीज का डर था। मैं आपको बताया था ना आपको शायद से AW कंपनी का शो आपको फॉक्स नेटवर्क के ऊपर आपको देखने को मिलना। भाई इस चीज को टोनी खान ने कंफर्म कर दिया, आपको कुछ दिन बाद आपको फॉक्स नेटवर्क के ऊपर आपको AW कंपनी का आपको शो देखने को मिलने वाला। मेरे ख्याल से भाई डेफिनेटली इनका व्यूअरशिप काफी ज्यादा अप जाने वाला है, क्योंकि भाई हमको पता जब स्मैकडाउन जाता था जब फॉक्स नेटवर्क के ऊपर तो मतलब 2.4 मिलियन 2.3 मिलियन आता था, और अभी करंट टाइम यूएसए नेटवर्क के ऊपर 1.4 मिलियन लिटरली व्यूअरशिप आ रहा है, इतना कम। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैड ब्लड के बारे में। तो भाई बैड ब्लड पीपीवी को भाई कौन होस्ट करने वाले, डब्ल्यू वाले ने इस बात को भी अनाउंस कर दिया, और वो रेसलर होने वाले बियंका बेलर और जेट कारगिल। भाई इनका कोई काम नहीं, इसलिए भाई डब्ल्यू वाले ने इनको अनाउंसर दे दिया, मतलब होस्ट एज दे दिया। और ऐसे ही भाई इनका अगर मैच नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो रहा है। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई इन तीनों के बीच में टेंशन चल रहा है, मैं आपको पहले बता चुका, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताया आपको केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलेगा इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर। एक मैच आपको प्रोबेबली और देखने को मिल सकता है जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेकब फाटो के बीच में क्राउन ज्वेल के अंदर। डब्ल्यू वाले भाई काफी टाइम से टीज करे इनके बीच में मतलब मैच करवाने का, तो फाइनली आपको क्राउन ज्वेल के अंदर मे बी आपको देखने को मिल सकता है। हां, मैं आपको पहले बता दूं भाई उतना भी मुझे इस मैच के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि भाई सोलो सिकोवा नहीं चाहेंगे मतलब जेकब फाटो मैच रेसल कर। हां, आपको शायद से किसी स्मैकडाउन शो के ऊपर या फिर क्राउन ज्वेल के अंदर आपको मैच देखने को मिलेगा, ये चीज आप लोग कंफर्म मान लो। आपको जेकब फाटो वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच आपको 1 से 2 महीना के अंदर आपको देखने को मिलने वाला, ऐसा रिपोर्ट निकल कर सामने आया है। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले भाई अगला स्मैकडाउन को भी बहुत ज्यादा तगड़ा बना दिया है। लिटरली भाई उन्होंने मतलब ब्लडलाइन का एक बहुत तगड़ा मैच को अनाउंस कर दिया अगले स्मैकडाउन को। बेसिकली डब्ल्यू वाले ने एक लैडर मैच को अनाउंस कर दिया, वो भी स्मैकडाउन को। जनरली भाई ये हमें मैच हमें पीपीवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। भाई टैग टीम चैंपियनशिप भाई स्मैकडाउन के ऊपर टंगा हुआ होगा, जो भी मतलब बंदा लैडर के ऊपर चढ़कर उसको लेगा वो चैंपियन बन जाएगा। आप लोग टेंशन मतलब टामा टोंगा टांगा लो भाई, जितने भी जोकर है वो टाइटल को हारने नहीं वाले, क्योंकि अगर वो टाइटल को हारते हैं तो यहाँ पर ब्लडलाइन वाले थोड़ा सा कमजोर दिखाई देंगे, जो कि डब्ल्यू वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते। बाकी रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई जिस तरीके से पूरा स्मैकडाउन डिजाइन किया गया, साथ साथ आपको रोमन रेंज अगले वीक भी देखने को ना मिले। वैसे इस वीक के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज का कमी बिल्कुल नहीं खला, मतलब क्योंकि भाई बड़ा अच्छा बुकिंग था पूरा स्मैकडाउन का। वैसे अगले स्मैकडाउन के ऊपर आपको मिया एम वर्सेस चेल्सी ग्रीन का आपको मैच देखने को मिलने वाला, और एजे स्टाइल भी आने वाला अगले स्मैकडाउन के ऊपर। तो भाई साथ साथ आपको रोमन रेंज इसलिए आपको अगले स्मैकडाउन के ऊपर देखने को नहीं मिले, क्योंकि जस्ट भाई उसके अगले दिन ही मतलब आपको बैड ब्लड देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू वाले भाई फालतू में क्यों रोमन रेंज को बुलाएंगे। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं नाया जैक्स के बारे में। तो भाई नाया जैक्स भाई टिफनी का पूरा गला दबा दी थी, इस वाले चीज को मैंने देखा ही नहीं था। बेली जब मैच को विन कर गई थी, नंबर वन कंटेंडर बन गई थी, उसके बाद भाई नाया जैक्स ने ये वाला हरकत किया था। तो भाई ये सेगमेंट जब मैं अब देखा हूं तो भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई टिफनी का चांसेस थोड़ा सा बढ़ गया मतलब मनी द बैंक कैश इन करने का, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से वो मोटी आंटी को बहुत ज्यादा टाइम तक अब वो झेलने नहीं वाली। मोटी आंटी अगर करंट टाइम में टाइटल अगर हार भी जाते तो भाई मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर भाई रिसेंट टाइम अंडरटेकर का बहुत सारा उन्होंने तारीफ किया। आपको अगर याद होगा तो आज के करीब 1 साल पहले अंडरटेकर जाकर चॉक स्लैम लगाए थे ब्रॉन ब्रेकर को, उसी को लेकर ब्रॉन ब्रेकर ने बोला वो सबसे बेस्ट चीज था मेरे कैरियर को, अंडरटेकर ने जो भी किया मतलब बहुत सही किया, अंडरटेकर सबसे बेस्ट रेसलर है बाकी रेसलर जैसा, भाई वो भी अंडरटेकर का तारीफ कर रहे हैं। और बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर को बेफेस रेसलर में कन्वर्ट करना है डब्ल्यू वालों को, तो मतलब बेसिकली अभी से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, इसलिए इंटरव्यू के अंदर अब जाके और अच्छा अच्छा बात बोलेंगे ताकि ऑडियंस उनको पसंद कर सके। और हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई मैं नहीं चाहता डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर को बेफेस बनाए, मैं चाहता हूँ एज ए हील ही उनको रखे हमेशा। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए तो भाई उसके बाद सीएम पंक बताएं कि बैक स्टेज सारे लोग मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। तो मेरे ख्याल से भाई करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि दुख होगा इस बात को देखकर कि जे उसो कैसे विन कर। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो भाई डीन एम्ब्रोस को भाई अब सारे लोग को लग रहा है कि मतलब ये भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैरेक्टर प्ले करना शुरू कर चुके हैं, अब कुछ लोग भाई इसके ऊपर कमेंट भी करना शुरू कर चुके हैं। और मैं से बताऊं तो भाई ये स्टोन कोल्ड का कैरेक्टर भाई टोटल तो नहीं प्ले कर रहा है, पर हां भाई मतलब हरकत भाई उसी तरीके कर रहे हैं।
हैं। डीन एम्ब्रोस करेंट है, अपना बॉडी फिजिक पूरा इंप्रूव कर चुके हैं, AEW कंपनी के सबसे टॉप के स्टार करेंट है बन चुके हैं। वो करेंट में अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना शुरू कर चुके हैं, मतलब करेंट में कोई भी रूल उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। बेसिकली भाई अभी करेंट में AEW कंपनी का स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डीन एम्ब्रोस ही, डीन एम्ब्रोस ही करेंट में वो रेसलर जो कि भाई AEW कंपनी को बचा कर रखे हैं। भाई डीन एम्ब्रोस लास्ट हो मतलब भाई इंसान, मैं सही बता रहा हूँ, डीन एम्ब्रोस अगर WWE कंपनी के अंदर अगर अभी आ जाता है तो भाई AEW कंपनी का भाई पूरा फॉल डाउन आ जाए। तो भाई आपका क्या कहना है डीन एम्ब्रोस के बारे में, क्या सच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है AEW कंपनी का, आप लोग सारे लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड ब्लड के बारे में। तो भाई बैड ब्लड का मेन इवेंट कौन सा मैच करने वाला, भाई डे मेलजर ने इस बात को कंफर्म अप कर दिया। बेसिकली भाई पहले था CM Punk और ड्रू मैकइंटायर का मैच ही मेन इवेंट करने के लिए, पर करेंट टाइम रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट करने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई स्मैकडाउन आपको कब से आपको 3 घंटा का देखने को मिलने वाला, ये चीज भी 100% अब कंफर्म हो चुका है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था आपको शायद अक्टूबर से आपको स्मैकडाउन आपको 3 घंटा का देखने को मिलने वाला, पर भाई ऐसा नहीं होने वाला। डेट भी मेंशन है आपको 3 जनवरी 2025 से आपको स्मैकडाउन आपको 3 घंटा का देखने को मिलने वाला, क्योंकि भाई USA नेटवर्क से भाई तब तक मंडे नाइट रॉ भाई शिफ्ट हो जाने वाला नेटफ्लिक्स को। भाई 3 तारीख को आपको जो स्मैकडाउन देखने को मिलेगा आपको 3 घंटा का देखने को मिलेगा, 6 तारीख को आपको मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा आपको नेटफ्लिक्स को। हाँ अभी भी एक सवाल जरूर है कि डब्ल्यू वाले भाई मंडे नाइट रॉ को 2 घंटा का करती है या फिर मतलब भाई वो 3 ही घंटा का मंडे नाइट रॉ को रखती है। इसका जवाब भाई आपको बेसिकली आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, आप लोग टेंशन मत लो। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो कोडी रोड्स भाई एक और फिर से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें देखने को मिले एक साथ। पिछला बार ये तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे जब दोनों भाई टैग टीम टाइटल को विन किए, और मेरे ख्याल से भाई शायद से ईट बट भाई मेरे ख्याल से उसी टाइम पर आया था जे उसो बोले। वैसे आई डोंट नो भाई WrestleMania.com वाले ने इस वाला फोटो को डाला, लिखा कि इस फ्रैक्शन का आप क्या नाम दो, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं लगता भाई ये फ्रैक्शन आपको कभी WWE कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंसुके नाकामुरा के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले ने क्या हालत किया है सिंसुके नाकामुरा का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिंसुके नाकामुरा पिछले 50 मैच में सिर्फ 2 मैच के अंदर विन किए, पिछले 48 मैच के अंदर वो हारे, 2 मैच के अंदर विन भी किए भाई, मुझे याद हो नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर वो विन किए। तो मेरे ख्याल से भाई सिंसुके नाकामुरा के लिए बेटर ये होगा भाई, मतलब भाई ये कंपनी छोड़कर चले। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डब्ल्यू वाले सिंसुके नाकामुरा और AJ स्टाइल का टैग टीम बना दे तो इनका टैग टीम काफी स्ट्रांग होगा, पर आप लोग खुद सोचो भाई ये मेन इवेंट के रेसलर भाई अगर जाकर टैग टीम बनाएंगे तो भाई आपको कैसा फील होगा। तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, टैग टीम तो भाई बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मुझे सच में कभी कोई गुस्सा आता है कि डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंस के लेवल के आसपास मतलब लेवल के भाई कोई भी रेसलर को बना नहीं। आज के अगर हम लोग 10-12 साल पहले का बात करें तो भाई उस समय बड़े सारे रेसलर थे, उस टाइम पर CM Punk थे, जॉन सिना थे, रॉक थे, रोमन रेंस थे, बहुत सारे रेसलर। अभी करेंट टाइम भाई रोमन रेंस के अलावा मुझे नहीं लगता भाई कोई और रेसलर है जो कि मतलब इनके स्टैंडर्ड का है। सच में भाई डब्ल्यू वाले को कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई, एक स्टार तो भाई उनको चाहिए अपने कंपनी के अंदर, एक और स्टार। वैसे नेक्स्ट भाई WWE कंपनी और WCW कंपनी में क्या डिफरेंस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। केविन नैश जब WWE कंपनी के अंदर थे तो 358 डेज तक मतलब वो चैंपियन थे अकेले, और वहीं WCW कंपनी के अंदर वो 5 बार चैंपियन बने थे, 98 डेज के अंदर 5 बार वो चैंपियन बने थे लिटरली। तो पहले के टाइम पर बेसिकली क्या होता था, कोई भी रेसलर भाई 15-20 दिन या फिर 1-2 महीना के अंदर अपना टाइटल को हार जाता था, जिससे ऑडियंस को भी लगता था भाई ये हार रहा है, मतलब भाई सच में रेसलिंग एक रियल गेम है। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अलेस्टर ब्लैक के बारे में। तो भाई मुझे इस न्यूज के ऊपर भरोसा नहीं, पर भाई WrestleMania.com वाले ने इस वाले न्यूज को दिया, उनका ये कहना डब्ल्यू वाले भाई सच में इंटरेस्ट है अलेस्टर ब्लैक को WWE कंपनी के अंदर फिर से वापस लाने के। तो मेरे ख्याल से भाई अब आपको शायद से आपको देखने को मिल सकता है अलेस्टर ब्लैक WWE कंपनी के अंदर वापस फिर से, पर हाँ इनके साथ कुछ अलग नहीं होने वाला, क्योंकि भाई एक रेसलर का स्टैंडर्ड होता है, आप उससे ऊपर रेसलर को नहीं पुश कर सकते। तो ये चाहे कुछ भी कर ले WWE वाले भाई इनको मिड कार्ड में ही रखने वाले, इनको मेन इवेंट के अंदर कभी लाने ही नहीं वाले। सबसे बेस्ट रेसलर WWE कंपनी के अंदर कौन सा रेसलर लगाता है इसका भाई आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग वोटिंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से भाई गोल्डवर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मैं ब्रॉन ब्रेकर को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर का जो स्पियर है मुझे भाई रोमन रेंस में ज्यादा खतरनाक लगता है, मतलब आप लोग अपना वोटिंग वैसे कर सकते हो। और हाँ तुम लोग ये मत बोलने लगा कि भाई तुम रोमन रेंस से हेट कर दो, भाई मतलब ब्रॉन ब्रेकर जिस स्पीड से स्पियर लगाते हो उसमें काफी कमाल का लगता है। रोमन रेंस का भी स्पियर मुझे काफी पसंद है, पर हाँ ब्रॉन ब्रेकर भाई बड़ा कमाल का स्पियर एक्चुअली हिट करते हो। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो का चैंपियंस बेल्ट का कलर आपको सबसे ब्लू कलर का आपको देखने को मिल सकता है, अभी ये चीज ऑफिशियल नहीं हो, पर हाँ भाई न्यूज चैनल अपनी तरफ से इसका हिंट दे रहे हैं। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो भाई एक बड़ा शॉकिंग बात पता चला है रिसेंट टाइम, CM Punk रिसेंट टाइम इस वाले फोटो को अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां भाई ये लिखा हुआ था कि WrestleMania 30 में रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच होना। आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पर आराम से देख सकते हो, ये मैच भाई मिड कार्ड टाइटल के लिए होने वाला था, यूनाइटेड स्टेट चैंपियंस बेल्ट के लिए होने वाला, पर शायद डब्ल्यू वाले ऐसा सोचे हुए कि मतलब रोमन रेंस को बेटर बुकिंग देना चाहिए, इसलिए भाई ये मैच उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला था कभी। वैसे ट्राइबल चीफ वाले ने इस वाले फोटो को अपलोड किया कि ये चारों में से कौन सा रेसलर पहले बनेगा WWE चैंपियन, और मैं सही बताऊं तो भाई मुझे थोड़ा बहुत डॉमडॉम के ऊपर भरोसा, बाकी भाई चैट कवल के ऊपर बिल्कुल नहीं है, सैमी जेन के ऊपर बिल्कुल नहीं, जे उसो के ऊपर करंट है मैं कर सकता हूं थोड़ा सा। वैसे आज का वीडियो को हम लोग अंत करते हैं मस्त मस्त फोटो को देखते हुए। तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इस ट्रांग के ऊपर आ सकते हैं।